ये चेक करो पूरे बैंड पाइप के साथ एकरा का स्टॉक एग्जॉस्ट होता है, ठीक है। कुछ ज्यादा ही लाउड है यार भाई साहब। वेलकम बैक टू द चैनल, मैं हूं सनातन भारद्वाज और आप देख रहे हो एसबी ब्लॉग्स। पहले तो आप सब लोगों को हैप्पी न्यू ईयर, और थंबनेल देख के आप समझ ही चुके होंगे कि आज का ब्लॉग किस चीज़ के ऊपर रहने वाला है। सो देखा जाए तो मैंने इस एग्जॉस्ट का काफ़ी ज़्यादा वेट करा है, तो अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट निकलेंगे और मिलते हैं आपसे मोटो ब्लॉगिंग सेटअप पर। अपना मोटो ब्लॉगिंग सेटअप पर हम आ चुके हैं, रेडी है फुल। ये है अपनी NS, और एक अच्छी चीज़ दिखाऊँ, ये है वो, ये है एग्रोपॉविक का एग्जॉस्ट जो मैं फिट करने वाला हूँ अपनी बाइक पे विद बैंड पाइप। ये वाला एग्जॉस्ट निकल जाएगा, डायरेक्ट ये वाला फिट हो जाएगा, तो चलते हैं इसको फिट करवाते हैं, निकलते हैं। सो, अभी निकल चुके हैं भाई, अब मज़ा आने वाला है इसका एग्जॉस्ट नोट सुनने में भाई। जो फील आएगा ना बाइक को चलाने में, सीरियसली बहुत ही अलग फील आने वाला है। इस एग्जॉस्ट का वेट कम से कम मैंने एक महीना करा है, क्योंकि ये देहरादून में था जब मैंने ये बाइक परचेज करी थी, तो मेरे को वो उस भाई ने गिफ्ट दे रखा था बाइक के साथ। ये वाला एग्जॉस्ट उस समय मैंने देहरादून ही छोड़ दिया था, मैंने कहा स्टॉक एग्जॉस्ट लगाएंगे, स्टॉक एग्जॉस्ट में गाड़ी चलाएंगे, तो अंदर ही अंदर आग लग रही थी भाई कि नहीं यार साउंड में मज़ा नहीं आ रहा, तो मैंने कहा क्यों ना अपना एग्जॉस्ट मंगाया जाए वापस और लगाया जाए। सो आज वो दिन आ चुका है, तो फटाफट से इंस्टॉल करवाएंगे, जितना भी जैसा भी प्रोसेस होगा वो सब मैं आपको दिखाऊंगा। भाई एक्साइटमेंट इतना है ना भाई एग्जॉस्ट लगाने का, क्या ही बोले। इस एग्जॉस्ट में ना सीरियसली बोलो बैक फायर इतनी तगड़ी पड़ती है ना, क्योंकि NS3 बैक फायर तो मारती मारती है, प्लस ये लाउड है बेसी वॉइस है इसकी, तो भाई जब चलेगी ना सीरियसली आप लोगों को पता चल जाएगा सनातन भारद्वाज आ चुका है, SB ब्लॉक्स आ चुके हैं। तो पहुँच ही गए अब शॉप पे जाते हैं, डायरेक्ट सब फिट करवाते हैं, क्योंकि प्लग एंड प्ले वाला सीन कर रखा है, बैंड वाइप उसका सब चीज़ रेडी है, ठीक है। कल मैंने उसमें जो हल्के फुल्के छेद थे वो फिल करवा दिए थे गैस वेल्डिंग से। सो अब सीधा प्लग करेंगे, प्ले करेंगे, बस देखेंगे इसका बूम बाम। तो भाई शॉप पे पहुँच चुके हैं, हाय ब्रो, यहाँ पर अब एग्जॉस्ट लगवाते हैं। एक NS पहले से खड़ी हो रही थी भाई, ठुक गई थी। अच्छा चलो तो डालो इसे अंदर और एग्जॉस्ट फिट करता है भाई। रवि भाई अपने काम पे लग चुके हैं। रवि भाई कैसा लग रहा है? हमारे जोशी भैया ने भी आईफोन पे स्विच कर दिया भाई, देख रहे हो, और दिखा कैसे रहे भाई जी, मैं गरीब आदमी। रवि कैसा लग रहा है? सब लोग आईफोन पे स्विच कर रहे हो ब्रो। और ये है अपना एग्जॉस्ट, ये चेक करो पूरे बैंड पाइप के साथ एकरा का, तो भाई ये इंस्टॉल करवाने वाले हम भाई, ये ब्रांड न्यू NS, और देख रहे हो हाल क्या हो रखे हैं। इंश्योरेंस क्लेम होगा ना है रवि, इसका इंश्योरेंस में होगा ना भाई, देख रहे हो क्या हालत हो रही है, अभी नंबर तक नहीं आया। और रवि भाई फुल पावर के साथ लगे हैं, बाद बाकी मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज। भाई ये बोल्ट यहाँ से खुलेगा और अपना डायरेक्ट एग्जॉस्ट इस पे फिट हो जाएगा, तब जाके आएगा मज़ा। भाई सीरियसली बोलो, जो ये एग्जॉस्ट है अपना एग्रोपॉविक का, तो ये बैकफायर बहुत तगड़े मारते हैं, बहुत ही ज़्यादा, मतलब वो मैं आपको दिखा सकता हूँ नाइट में, अगर नाइट में मैं शूट करूँगा ये वाला, क्योंकि डायरेक्ट एयर फ्लो है और एग्जॉस्ट का आप देख सकते हो भाई, बूम मज़ा आने वाला है इस एग्जॉस्ट में। तो भाई अपना एग्जॉस्ट निकल चुका है, जो ये स्टॉक एग्जॉस्ट होता है, ठीक है, इसमें ये प्रॉपर ढोलकी रहती है। अभी बेसिकली जो मैंने चेंज करवा रहा हूँ वो इस वजह से, क्योंकि यहाँ पे छेद हो रखे, तो इसको प्रॉपर बढ़िया से करवाएंगे, फिर बाद में इसको दोबारा से इंस्टॉल कर देंगे। तो रवि भाई एक्साइटेड भाई, तो कुछ इस तरीके से अपना एग्जॉस्ट एकरा, अभी इसको पकड़ रखा है, एडजस्टमेंट मारेंगे इसकी, देखेंगे कहाँ पे फिट आता है। Thank you.
वही लोचा हो चुका है अपने साथ। ये पत्ती थोड़ी छोटी हो गई, अभी थोड़ा बड़ी करेंगे इसे। कुछ और जुगाड़ नहीं है? हॉर्न की पत्ती से नहीं होगा ना यार पहले, लेकिन कैसे फिट था ये देखना, यहाँ पे छेद हो रखा है उस पे। देख तो लो, ट्राई तो करो एक बार, क्या पता हो जाए इसी से। इस हमारे साथ चूतिया पत्ती हो गई जो ये इसका होके ही कुछ ज्यादा ही पीछे जा रहा है और अब लग रहा है कि भाई ये लग क्यों नहीं रहा। रवि भाई आइडिया कहाँ से आता तुम पे जाने को? मैंने सोचा घाटे वाले काम नहीं करा, अब इसको पीछे करेंगे और डायरेक्ट यहाँ पे ऊपर जो ये होल हो रखा है यहाँ पे फिट कर देंगे इसे। तो ये देख सकते हो आप, पहले ये यहाँ पीछे फिट था, अब इसको यहाँ पे कर दिया डायरेक्ट ऊपर लगाने के लिए, वरना कुछ और ऑल्टरेशन तो कुछ हो नहीं रहा। तो हाँ, अब इसको यहीं से होल्ड करेंगे। बाद बाकी साउंड आपने सुनी लिया है, एक लाइक कर दो अगर साउंड पसंद आई हो आपको। भाई रब्बी भाई जा रहे हैं ट्राई मारने, एक्साइटेड? आया मजा भाई जी भाई साहब। तो भाई अपना एग्जॉस्ट वगैरह लग चुका है भाई, इधर लग गया मेला मेला पूरा। भाई एग्जॉस्ट इतना लाउड है ना कि आराम से देख के चलना पड़ रहा है। भाई पूरा बेसी साउंड है। तो भाई फाइनली अभी घर पहुंच चुके हैं। बाद बाकी मैं इसका नाइट शॉट जो बैक फायर होता है वो मैं आपको इसके आगे दिखा दूंगा, जब भी जाऊंगा मैं शूट कर लूंगा, फिर वो क्लिप भी इसमें ऐड करके मैं आपको दिखा दूंगा। तो अभी व्लॉग को फिलहाल यहीं पर पॉज करते हैं, बाद बाकी आगे कंटिन्यू करेंगे। ऑलराइट यूट्यूब फैमिली, तो चेक कर सकते हो अभी रात को हम आ चुके हैं और ये अपनी है बैक टेल लाइट और ये है अपना एग्जॉस्ट। तो ये है अभी अपने नाइट शॉट, ये देख सकते हो जो मैंने DRL जो मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले ब्लॉग में। तो भाई रात को ये कुछ ऐसी लग रही है, देख सकते हो आप। और चलो एग्जॉस्ट नोट सुनते हैं पहले। ये है अपना एग्जॉस्ट, तो ये है अपनी बीस्ट बैक फायर, आपने देख लिए है। तो अभी ब्लॉग को करेंगे यहीं पर एंड और आप चेक कर सकते हो इधर गोपेश्वर का व्यू। सो दिस इज अनादर भारद्वाज साइनिंग ऑफ फ्रॉम द यूट्यूब ब्लॉग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ले बाय बाय, बी सेफ और राइट सेफ।